बिहार में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। पिछले कुछ समय से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, बादल छा रहे थे, जिससे तापमान सामान्य या उसके आसपास था। खासतौर पर उच्चतम तापमान, न्यूनतम तापमान जरूर बढ़ा हुआ था। स्वाभाविक है कि जब बादल होते हैं, जब हवा में नमी अधिक होती है, तो ऐसे दौर में रातें गर्म होती हैं। और हालात तो ये थे कि पटना में 27.5 डिग्री सेल्सियस यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान था, बेचैनी महसूस की गई थी। लेकिन कल से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और दिन का तापमान तेजी से बढ़ेगा। IMD पटना का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 4 दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा बढ़ेगा। इसकी वजह से राज्य में तकनीकी तौर पर कुछ भी हो, लेकिन लू जैसी स्थिति बन सकती है, खासतौर पर दक्षिणी बिहार में। आज राज्य के 9 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इनमें पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी बिहार में मोतिहारी, गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, शेखपुरा, खगड़िया, मोतिहारी और बांका में, ये सब इनमें अधिकांश जिले जो हैं वो दक्षिणी बिहार के हैं, जहाँ पारा 40 से 41.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। जाहिर है कि यहाँ लोगों ने एक काफी मतलब अंतर से हल्की सी लू का एहसास हुआ। यहाँ पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक था। इस आने वाले 3-4 दिन में जो मौसमी परिवर्तन होने वाले हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो जो गर्मी है उसमें तपिश अधिक महसूस होगी। तपिश से तात्पर्य है कि लू के थपेड़े चलते हैं, वह कुछ वैसा ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्से में हवा में नमी की मात्रा 14 से 40% के बीच हो गई है, और ये धीरे धीरे अगले 2-4 दिन में और घटेगी। और जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है तो एकदम बिल्कुल गर्म हवाएं होती हैं, जिनमें बिल्कुल आर्द्रता नहीं होती। इसका असर होता है कि खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा असर करता है। हालांकि अभी कक्षाएं बंद हैं, क्लास बंद हैं, इसके बावजूद ये दिक्कत भरा सबब होगा। खासतौर पे चुनाव भी होने वाले हैं, अगले 3-4 दिन में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। दिन में जब गर्मी होगी, तपिश ज्यादा होगी, तो शुरुआत में खासतौर पे दोपहर में मतदान प्रभावित भी हो सकता है। सुबह के समय भीड़ हो सकती है, शाम के समय भीड़ हो सकती है, लेकिन दिन में गर्म हवाओं के बीच मतदान कराना और मतदाताओं का घर से बाहर निकला कठिन होगा, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में। बिहार में ये जो मौसमी बदलाव हो रहा है, ये 4-5 दिनों के लिए है। संभवतः 18 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल फ्रेश पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालय में सक्रिय होगा। इसका असर होगा, असर ये होगा कि एक बार फिर बिहार में बारिश, हल्की बूंदाबांदी और बादल संभव है। इसकी वजह से तापमान कुछ कम हो सकता है। तो इस तरह मौसमी उठापटक इस पूरे माह जारी रहेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का दीर्घकालीन लंबी अवधि का पूर्वानुमान जारी हो गया है। IMD ने इसको जारी करते हुए कहा है कि लगभग पूरे देश में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। ये बिहार के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, इसलिए कि पिछले 20 साल में हम 11 बार अवर्षा की स्थिति से गुजरे हैं, एक तरह से सूखे की स्थिति से गुजरे हैं। बिहार के संदर्भ में पूर्वानुमान है कि यहाँ लगभग पूरे बिहार में अच्छी बारिश होगी और सामान्य से अधिक होगी। एक खास बात इसमें यह है, जो तकनीकी तौर पर जानने जरूरी है, कि पिछले समय में कुछ सूखे जैसी स्थिति बनी, मानसून अनियमित रहा, ड्राई स्पेल कुछ ज्यादा रहते थे मानसून में, अब वो शायद इस साल नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ इस बार साल, क्योंकि अलनीनो इफेक्ट जून उत्तरार्ध या जुलाई प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जाने की उम्मीद बताई गई है। यह अलनीनो एक विशेष मौसमी दशा है जो अक्सर भारत में सूखे की वजह बनता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।